हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम्स मिनी वर्ल्ड। और मैं हूं पूनम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों में। आज की मेरी रेसिपी कटहल के कोफ्तों की है। कटहल की सब्ज़ी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। अगर हम कटहल की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो सभी पसंद करते हैं, बच्चे हों या बड़े हों। तो आज मैंने कटहल के कोफ्ते बनाए हैं। कोफ्ते भी बहुत यम्मी लगते हैं खाने में। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। ये मैंने आधा किलो कटहल लिया है, इसे बॉईल कर लिया है कुकर में। 4 से 5 सीटी लगा ली है। इसके जो सीड्स थे उनको रिमूव कर लिया था पहले ही, सीड्स नहीं उबाले हैं। अब इसमें उबले हुए आलू डाल दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं और उन्हें मैश करके डाल दिया है इसी में। कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डालूँगी। नमक डाल दिया है हल्का सा। धनिया पाउडर डाल दिया है 1 चम्मच। कसूरी मेथी डाल देते हैं। और कलर के लिए डाल देते हैं हल्दी। बस इतने ही मसाले ऐड किए हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डाले हैं। अब इसमें डाल देते हैं बेसन। 100 ग्राम के आसपास बेसन है। ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें आलू भी डाले हैं, तो अच्छी तरह से बाइंड हो जाएंगे ये। तो चम्मच से नहीं मिलाया जाएगा, तो हाथों से मिलाना होता है। तो हाथों से मैंने ये मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब हाथों पे ऑयल लगा लिया है। अब इसके बड़े बना लेते हैं। ना ज़्यादा बड़े बनाए हैं और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के बनाए हैं, तो मीडियम साइज़ के बड़े बना लिए हैं मैंने। ये ईजिली बन जाते हैं, हाथों पे चिपकते नहीं हैं। तो इसके सभी बड़े बना लेते हैं। ये ईजिली बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है बनाने में। तो ये सभी बना लिए हैं। अब मसाला तैयार कर लेते हैं। एक ग्राइंडिंग जार लिया है, प्याज डाल दिया है, और अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, पेस्ट बना लिया है। 3 से 4 प्याज थे ये। टमाटर डाल देते हैं उसी ग्राइंडिंग जार में। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं ये। टमाटर के साथ ही डाल देते हैं लहसुन की कुछ कलियां। अदरक के टुकड़े भी डाल देते हैं छोटे छोटे करके, और हरी मिर्च भी डाल दी है 2। एक चम्मच डाल देते हैं जीरा। अब इनको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, पेस्ट बना लिया है। अब गैस की फ्लेम पे पैन रख दिया है और कुछ तेल डाल दिया है और बड़े सेक लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखा है और बड़े सेक लेते हैं। लो फ्लेम पर ही सेकते हैं इन्हें। तो बड़े सिक गए हैं, तो बड़ों को उतार दिया है और पैन में जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको हटा लिया है, तो थोड़ा सा तेल रखा है। हींग जीरा डाल देते हैं। प्याज का पेस्ट डाल देते हैं और 2 मिनट भून लेते हैं प्याज के पेस्ट को। थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा जब तक कि। तो प्याज भून चुका है, अब इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। अच्छे से चला लेते हैं, 2 मिनट पका लेते हैं, उसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चम्मच डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। हल्दी डाल दी है। धनिया पाउडर 1 चम्मच। नमक डाल दिया है। अभी इतने ही मसाले डालेंगे, बाकी मसाले हम लास्ट में ऐड करेंगे। तो अच्छी तरह से चला लेते हैं और मसालों को अच्छे से पकने देते हैं 5 मिनट तक। लो फ्लेम पर मसालों को पकने देते हैं।
तो मसाले लगभग पक गए हैं। अब इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 2 ग्लास पानी डाल दिया है। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि जब ये पकने के बाद जब ये ठंडा होता है ना तो थोड़ा सा थिक हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालेंगे, साथ में ही बड़े भी ऐड कर देते हैं। बड़े भी पक जाएंगे अच्छी तरह से। बड़ों के अंदर अच्छी तरह से मसाले एंटर हो जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट पका लेते हैं अच्छी तरह से, हाई फ्लेम पर पका लेते हैं इन्हें। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, गैस की फ्लेम को लो कर दिया है, ये एटलीस्ट पक गए हैं। अब लास्ट में डाल देते हैं थोड़ी सी क्रीम। भुनी हुई कसूरी मेथी और 1 बड़ा चम्मच डाल देते हैं मैगी मसाला। ये बनके एकदम रेडी हैं कोफ्ते। रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ और चावल के साथ भी सर्व किया जा सकता है। तो कोफ्ते बनके एकदम रेडी हैं, एकदम यमी बने हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।